Hello children, in this video you will get to know how we can access random data from a file. अभी तक जो आपने किया था read function का use, तो आपने देखा था कि आपने एक sequential way में data को access किया था, right? अब यहाँ पे हम data को किसी भी position से access कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? Python provides two functions that helps you to manipulate the position of the file pointer. Python आपको दो function provide करता है जिसकी help से आप pointer, file pointer की position को change कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो. एंड दिस यू कैन रीड एंड राइट फ्रॉम डिजायर्ड पोजीशन इन द फाइल. और अगर आप फाइल पॉइंटर की पोजीशन चेंज कर सकते हो तो उसकी हेल्प से आप किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन से फाइल को रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो. ओके, these functions are tell function and seek function. ये कौन कौन से function है? tell function है and seek function है. okay, these functions work identically with the text files as well as the binary files. तो ये दो जो function है, tell function और seek function, इन दोनों की working, इन दोनों का function same है with text file के साथ और binary file के साथ. okay, तो अब इन function को हम करते हैं one by one. now first we have tell method or you can say tell function. okay, this function returns an integer that specifies the current position of the file object. तो आप जब tell function का use करते हो तो ये क्या return करता है? एक ये integer value return करता है जो बताती है कि आपकी file pointer की position कहाँ है. ओके, file pointer आपका कहाँ है? third position पे है, fourth position पे है या किसी भी position पे है, right? The position so specified is the byte position from the beginning of the file till the current position of the file object. जो position ये बताता है वो कहाँ से start करता है, कहाँ से बताना start करता है? From the beginning of the file. Okay, right? The syntax of using tell function is file object dot tell function. Right? तो जब आप इस function का use करते हो तो आपको क्या syntax use करना है? File object dot tell function. Right? अब मैं इसको practically करके दिखाती हूँ आपको. ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक अपना प्रोग्राम क्रिएट करते हैं. एफ क्या है आपका? फाइल पॉइंटर है. ओके, फाइल हैंडल, फाइल ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे फाइल ले लेते हैं abc.txt. ये मेरी ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल है पाइथन की डिफॉल्ट डायरेक्टरी में. इसको मैं रीड मोड में ओपन करती हूँ. ओके, राइट. अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे f dot read. तो f dot read function से क्या होगा, आपकी complete file read हो जाएगी. okay, और print भी हो जाएगी. fine. अब यहाँ पे जब वो complete file read करेगा तो क्या होगा, file pointer beginning से लेकर end तक जाएगा, right? okay, तो ये क्या बता देगा, यहाँ पे हम next लेते हैं file pointer की position. file pointer is now at bytes. complete file में कितने bytes हैं ये आपको ये show कर देगा f dot tell, क्योंकि complete file read होने के बाद pointer, file pointer की position क्या होगी, at the end of the file, right? okay, इसको हम save कर लेते हैं. कोई भी name ले लेते हैं, जैसे आपने ले लिया इसका f1, it's already here. फोन ले लो, चलो, राइट. रन, रन मॉड्यूल. ओके, ये देखो ये आपकी कंप्लीट फाइल आ गई है, आपने रीड करा दी. और फाइल पॉइंटर, फाइल पॉइंटर इज नाउ एट बाइट्स 408, राइट. इसने नंबर ऑफ बाइट्स भी काउंट करके बता दिए. फाइल पॉइंटर आपका क्या है, एंड ऑफ द फाइल, राइट. और नंबर ऑफ बाइट्स इसने काउंट करके बता दिया है 408, राइट. ओके, तो टेल फंक्शन ने क्या बताया आपको, करेंट पोजिशन ऑफ फाइल पॉइंटर बताइए कहां पर है. ओके, अब देखो अगर मैं क्या चाहती हूँ, इसमें से सिर्फ 10 बाइट्स या 10 कैरेक्टर्स को रीड करना चाहती हूँ. ओके, सेव कर दो. नाउ वी विल एग्जीक्यूट इट, रन. अब देखो आपके फर्स्ट 10 कैरेक्टर इसके अंदर क्या हो गए हैं, रीड हो गए हैं. और क्या आ गया, फाइल पॉइंटर इज नाउ एट बाइट्स 10. आपने 10 कैरेक्टर्स रीड कराए थे, अब इसकी पोजीशन क्या है, फाइल पॉइंटर की 10. ओके, ओके. अब इसमें क्या करते हैं, कुछ लाइंस और ऐड करके देखते हैं कि जब स्टार्टिंग में आपने इसको ओपन किया था फाइल, तो इसकी फाइल पॉइंटर की पोजीशन क्या थी. तो हम यहां पे ले लेते हैं इनिशियली
file pointers position is at, right? F dot tell. तो बिगनिंग में ये क्या रिटर्न करता है? जीरो, क्योंकि ये कहां से स्टार्ट करता है? जीरो से स्टार्ट करता है, राइट? तो हमने यहाँ पे एफ डॉट टेल की हेल्प से आप बिगनिंग कहां पे आपका फाइल पॉइंटर है वो पोजीशन यहाँ पे प्रिंट करा दोगे, राइट? ओके, अब यहाँ पे मैं प्रिंट करा देती हूं, हम देते हैं रीड 10 bytes, रीड 10 bytes. ओके, वो 10 bytes को रीड कर लेगा, फाइन. अब आफ्टर रीडिंग 10 bytes हमने ये स्टेटमेंट दे दिया, फाइल पॉइंटर इज नाउ एट bytes दिस, राइट? अब क्या करते हैं, और 10 bytes को हम रीड कराते हैं. प्रिंट रीड नेक्स्ट 10 bytes. ओके, इन नेक्स्ट 10 bytes को रीड करने के हम क्या करेंगे, एफ डॉट रीड, और इसमें दे देंगे हम 10, राइट? पहले आप 10 bytes रीड कराओगे, फिर आपने क्या किया, एक और स्टेटमेंट दिया है, रीड नेक्स्ट 10 bytes एफ डॉट रीड फंक्शन. ओके, देन प्रिंट, इसको हम ऊपर से कॉपी कर लेते हैं, प्रिंट ओके एंड डॉट क्लोज, राइट? इसको सेव कर लेते हैं. अब इसको रन करा के देखते हैं, रन मॉड्यूल. नाउ लुक एट दिस, इनिशियली फाइल पॉइंटर पोजीशन इज एट जीरो, ठीक है? आपकी इनिशियल जो पोजीशन होती है फाइल पॉइंटर की वो कहाँ होती है? जीरो. इसकी स्टार्टिंग की पोजीशन को बोलते हैं जीरो, राइट? इनिशियली फाइल पॉइंटर्स पोजीशन इज एट जीरो, राइट? देन आपने क्या कराया, रीड 10 bytes. तो रीड 10 bytes इसने जो इसका 10 bytes को रीड किया आफ्टर फ्लाई, ओके, एफ एल वाई आई, 10 bytes को कर दिया. अब फाइल पॉइंटर की पोजिशन क्या है, 10, ओके. Now, अब यहाँ पे थोड़ा विजिबल नहीं है, इसको मैं थोड़ा ऊपर करती हूँ. अब नेक्स्ट आपने कराया रीड नेक्स्ट 10 bytes, तो इसने नेक्स्ट 10 bytes को रीड किया है. अब फाइल पॉइंटर की पोजीशन क्या है, 20, राइट? पहले 10 थी, ओके, जब आपने 10 करेक्टर्स को रीड कराया था, फिर आपने 10 करेक्टर्स को और रीड कराया, ओके, यहां से देखो, फिर आपने 10 करेक्टर्स को और रीड कराया, तो आप कहाँ पे पोजिशन आ गई है, 20, ओके. यहाँ पे देखो, इसको समझते हैं. इनिशियली आपके फाइल पॉइंटर की पोजीशन क्या थी, जीरो थी. यहाँ के स्टार्टिंग ऑफ द फाइल, इसको जीरो कंसीडर करते हैं, ओके. फिर आपने कमांड क्या दी है 10 bytes को रीड कराने के लिए, तो इसने 10 bytes को रीड किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके. ये आपका रिजल्ट आ गया, इतना आपका रिजल्ट आ गया, फाइन. देन आपने फिर क्या किया, नेक्स्ट 10 bytes को रीड कराया. अब यहां से नेक्स्ट 10 bytes को ये रीड करेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके. ये आपका आ गया रिजल्ट, राइट? तो अब फाइल पॉइंटर की पोजीशन कहाँ आ गई है, बाइट 20 पर, ओके. नाउ नेक्स्ट वी हैव सीक मेथड, ओके. आपने टेल मेथड किया, टेल मेथड आपको क्या बताता है, फाइल पॉइंटर की पोजीशन बताता है, राइट? ओके, आप फाइल पॉइंटर की पोजीशन को चेंज कर सकते हो यूजिंग टेल मेथड, ओके. नाउ वी हैव सीक मेथड और सीक फंक्शन. दिस मेथड इज यूज्ड टू पोजीशन द फाइल ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर पोजीशन इन अ फाइल, ओके. इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, फाइल ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या कर सकते हो, उसको ले जा सकते हो, फाइल पॉइंटर को, या और यू कैन से फाइल ऑब्जेक्ट को, राइट? अब यहाँ पे सीक का सिंटेक्स क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक, ओके. और इसके अंदर आप पास करोगे ऑफसेट एंड रेफरेंस पॉइंट, ओके. मतलब सीक मतलब क्या, एक पर्टिकुलर पोजीशन को आपको ग्रैब करना है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको जाना है, तो आप किसका यूज करोगे, सीक फंक्शन का यूज करोगे, राइट? कैसे, यहाँ पे देखो सिंटेक्स जो है उसको
मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ. ओके, ऑफसेट क्या है? इज द नंबर ऑफ बाइट्स बाय विच द फाइल ऑब्जेक्ट इज टू बी मूव्ड. मतलब कितने बाइट्स आपको फाइल पॉइंटर को चलना है. ओके, ये क्या बताता है? ऑफसेट बताता है कि कितने बाइट्स फाइल पॉइंटर चलेगा. 1, 2, 3, 4 कितने बाइट्स उसको चलना है. राइट, ओके. अब नेक्स्ट वी हैव द रेफरेंस पॉइंट और यू कैन से मोड. मोड क्या बताता है कि उसे कहां से चलना है. बिगनिंग से चलना है फाइल पॉइंटर को, या फिर अभी वो किसी और पोजीशन पे है उस करंट पोजीशन से चलना है, या फिर वो एंड ऑफ द फाइल है एंड ऑफ द फाइल से उसको चलना है इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. तो ये कौन बताता है? ये रेफरेंस पॉइंट बताता है. समझ आया? देखो फिर से देखो, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक फंक्शन. सीक फंक्शन के अंदर आप दो पैरामीटर्स पास करते हो, ऑफसेट एंड रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट को हम मोड भी बोलते हैं. ऑफसेट बताता है कि फाइल पॉइंटर कितने बाइट्स मूव करेगा, ठीक है, और फॉरवर्ड मूव करेगा या बैकवर्ड मूव करेगा. राइट, एंड रेफरेंस पॉइंट बताता है कि वो कहां से मूव करेगा. बिगनिंग ऑफ द फाइल से मूव करेगा, या फिर इस जो भी उसकी करंट पोजीशन है वहां से मूव करेगा, या एंड ऑफ द फाइल से मूव करेगा. राइट, ये कौन बताता है? रेफरेंस पॉइंट बताता है. ओके, अब देखो रेफरेंस पॉइंट क्या है. जीरो अगर है आपने दिया है तो क्या होगा? बिगनिंग ऑफ द फाइल से आपका फाइल पॉइंटर मूव करेगा. अगर आपने वन दिया है रेफरेंस पॉइंट या मोड, तो जो भी फाइल पॉइंटर की करंट पोजीशन है वो वहां से मूव करेगा. और अगर आपने टू दिया है तो एंड ऑफ द फाइल से मूव करेगा. ओके, बाय डिफॉल्ट द वैल्यू ऑफ रेफरेंस पॉइंट इज जीरो. और बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई भी रेफरेंस पॉइंट नहीं देते हो, ओनली ऑफसेट ही देते हो कि कितने बाइट्स चलना है फाइल पॉइंटर को, ओके, तो वो कहां से स्टार्ट करता है? बिगनिंग से स्टार्ट करता है. राइट, द ऑफसेट इज काउंटेड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फाइल. ओके, वी कैन मूव द फाइल पॉइंटर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय गिविंग द पॉजिटिव वैल्यू फॉर बाइट्स. अगर आप पॉजिटिव ऑफसेट देते हो तो क्या होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका फाइल पॉइंटर चलेगा. अगर आप नेगेटिव ऑफसेट देते हो तो किस डायरेक्शन में चलेगा? वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. राइट, तो सीक मेथड से आप क्या कर सकते हो? अपने फाइल पॉइंटर को कहीं भी उसको कहीं पे भी लोकेट कर सकते हो, ठीक है, वो कहीं पर भी उसको पहुंचा सकते हो, और वहां से आप अगर डेटा एक्सेस करना चाहते हो वो आप एक्सेस कर सकते हो. फाइन, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं. ओके, नाउ एफ क्या है? आपका फाइल पॉइंटर है. ओके, आप क्या करोगे? फाइल को ओपन करते हैं हम लोग. डेमो 2.txt फाइल को मैंने ओपन किया. किस मोड में? रीड मोड में. फाइन, ओके, प्रिंट एफ डॉट टेल. ओके, एफ डॉट टेल आपका क्या बता देगा? आपकी फाइल की करंट पोजीशन. ओके, अब आपने क्या दिया? एफ डॉट सीक, राइट, 4. तो आपका अभी हमने क्या दिया? एक ही पैरामीटर दिया, ऑफसेट दिया है 4. तो आपका फाइल पॉइंटर कितने बाइट्स मूव करेगा? 4 बाइट्स. 1, 2, 3, 4. ओके, उसके बाद फिर से उसके बाद आपका रीड हो जाए. एफ डॉट रीड. ओके, देन क्लोज. देखो सबसे पहले आपने फाइल को ओपन किया. demo2.txt फाइल है मेरी. ओके, ये कहाँ पे है? ये पाइथन की डिफॉल्ट डायरेक्टरी में सेव है. राइट, ये कौन सी फाइल है? टेक्स्ट फाइल. इसको किस फॉर्म में आप किस मोड में ओपन करो? रीड मोड में. राइट, आपने फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया? प्रिंट एफ डॉट टेल. इससे एफ टेल फंक्शन आपको क्या बताएगा? फाइल पॉइंटर की करंट पोजीशन क्या है. ओके, बिगनिंग ऑफ द फाइल. फिर आपने क्या किया? पॉइंटर को 4 बाइट्स चलाया. ओके, और उसके बाद आपने इसको रीड कराया. तो आपका पॉइंटर कहाँ, तो रीड फंक्शन कहाँ से वर्क करेगा? पॉइंटर पोजीशन से वर्क करेगा. 4 बाइट्स के बाद वो उसको रीड करेगा. फाइन, तो इसको पहले हम एग्जीक्यूट करते हैं. सेव कर लो. ओके, रन करते हैं. देखो यहाँ पे आगे आपका 0 पोजीशन, पॉइंटर की 0 पोजीशन है. ओके, एंड आप पहले हम फाइल को देखते हैं. यहाँ पे देखो फाइल ये आपकी, पहले आपका पॉइंटर कहाँ था? 0 पोजीशन पे. फिर आपने इसको क्या चलाया? 4 बाइट चलाया. 1, 2, 3, 4. राइट, 4 बाइट चलाया. उसके बाद आपने रीड फंक्शन का यूज किया है. तो अब पॉइंटर की पोजीशन कहाँ पे है? 4 बाइट्स पे है. तो कहाँ से डेटा आप रीड करोगे? पॉइंटर पोजीशन से रीड करोगे. तो आप यहाँ से रीड करोगे. इतना डेटा आपने रीड किया है.
मतलब इतना डेटा रीड हुआ है ओके ऑन से लेकर एंड तक राइट right? क्योंकि सीक से आपने पॉइंटर को कहां पहुंचा दिया था, फोर्थ पोजीशन पे पहुंचा दिया था राइट ओके नाउ अब क्या करते हैं, इसको करते हैं एफ डॉट सीक सिक्स राइट ओके मैंने सीक क्या दे दिया, सिक्स दे दिया है और अब यहाँ पे मैंने आपका रेफरेंस पॉइंट या मोड नहीं दिया है कि कहां से स्टार्ट हो, तो बाय डिफॉल्ट कहां से स्टार्ट होगा, अगेन ये फर्स्ट पोजीशन से मतलब जीरो से स्टार्ट होगा ओके एफ डॉट सिक्स अब प्रिंट करा देंगे हम सिक्स पोजीशन से रीड हो जाए एफ डॉट रीड सिक्स पोजीशन से आप फाइव करेक्टर्स रीड करा दो ओके सिक्स पोजीशन से आप कितना करेक्टर रीड कराओगे फाइव करेक्टर्स और उसके बाद हम पोजीशन प्रिंट करा देते हैं करेंट लोकेशन ऑफ पॉइंटर एफ डॉट टेल राइट एफ डॉट टेल आपने दे दिया और ये हम यहाँ पे भी दे सकते हैं करंट पोजीशन ऑफ पॉइंटर ओके राइट अब देखो पहले आपकी फाइल ओपन होगी फर्स्ट जो कमांड दी है आपने ओके फिर आपकी उसकी करंट लोकेशन पॉइंटर की ये क्या करेगा ये बताएगा राइट तो करंट पोजीशन आपकी हमेशा जीरो होती है उसके बाद आपने क्या किया सीक फंक्शन का यूज करके उसको फोर बाइट्स मूव कराया एंड देन फाइल को रीड कराया अब अगेन मैंने सीक फंक्शन का यूज करके सिक्स बाइट मूव कराऊंगी और कितना आपको रीड कराना है फाइव करेक्टर्स और यू कैन से फाइव बाइट्स होंगी ओके पहले तो मैंने क्या किया था पूरी फाइल को रीड कराया था अभी हम फाइव करेक्टर्स को रीड कराएंगे राइट अब इसको क्या करते हैं रन करते हैं ओके अब देखो करेंट लोकेशन ऑफ द पॉइंटर इक्वल्स टू जीरो आपका जीरो आ गया स्टार्टिंग में ओके देन आपने क्या किया था हम यहाँ पे फाइल को ओपन कर लेते हैं आपने फाइल को फोर बाइट्स मूव कराया 1 2 3 4 ओके आपका फिर इसके बाद का जितना भी था वो आ गया सीक से आपने 4 बाइट मूव कराया था ओके देन आपने क्या किया है यहाँ पे देखो आपने क्या दिया था 6 बाइट मूव करा के 5 करेक्टर्स को रीड कराया था 1 तो आपके 6 बाइट कहाँ से मूव होगा फ्रॉम द स्टार्टिंग जीरो से ओके तो हम इसको देखते देखो 1 2 3 4 5 6 ओके सिक्स आपने सिक की पोजीशन क्या ली थी सिक्स ओके और सिक्स से आपको कितने बाइट्स रीड करने हैं फाइव तो अब रीड करेंगे 1 2 3 4 5 ओके तो आपका कितना क्या आ जाएगा पी आर ओ जी प्रोग ओके स्पेस एंड देन पी आर ओ जी प्रोग राइट तो देखो आपका यहां आया हुआ है फाइन प्रोग स्पेस आया हुआ है देन प्रोग राइट अब देखो करेंट पोजीशन अब आपकी पॉइंटर की क्या है 11 क्या लिया है फंक्शन में सीक फंक्शन में लिया है 6 राइट और रीड कितने करेक्टर्स कराए हैं 5 ओके तो ये कितना हो गया 11 आपका पॉइंटर कितना मूव किया 11 आपने पहले सीक फंक्शन की हेल्प से पॉइंटर को 6 पोजीशन पे पहुंचाया राइट यहाँ पे पहुंचाया 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद आपने 5 करेक्टर्स को रीड कराया 1 2 3 4 5 तो टोटल कितना हो गया 11 तो आपकी पॉइंटर की पोजीशन अभी क्या है 11 बाइट्स ओके देखो ये आपकी पॉइंटर की पोजीशन है हियर वी हैव पॉइंटर्स पोजीशन 11 बाइट ओके अंडरस्टूड ओके अब देखो यहाँ पे जब सीक फंक्शन का मैंने यूज किया तो फाइल पॉइंटर हमेशा बिगिनिंग से स्टार्ट करता है जीरो से स्टार्ट करता है जब आपने सीक फोर किया तब भी उसने स्टार्टिंग से पोजीशन से जीरो पोजीशन से फोर्थ बाइट पे गया जब आपने सीक सिक्स किया तब भी वो स्टार्टिंग से सिक्स बाइट पे गया पर अब मैं चाहती हूँ कि वो स्टार्टिंग से ना जाए वो अपनी करेंट लोकेशन से जाए मतलब फोर बाइट रीड करने अब यहाँ पे देखो यहाँ पे तो एंड ऑफ द फाइल आ जाएगा राइट तो मैं अगर चाहती हूँ एक पर्टिकुलर पोजीशन से वो क्या करे रीड करे या फिर एंड ऑफ द फाइल से रीड करे तो या तो आप क्या करोगे यहाँ पे आप प्रोवाइड करोगे क्या दोगे कौन सा पैरामीटर पास करोगे आप
मोड और यू कैन से रेफरेंस पॉइंट. तो मैं यहाँ पे वन कर देती हूँ, लेट्स सपोज. ठीक है, वन का क्या मीनिंग था? वन का मीनिंग था करेंट पोजिशन से. ओके, तो देखो पहले मैंने कर दिया सीक फोर और रीड में कर दो थ्री. पहले पॉइंटर फोर्थ पोजिशन पे जाए और थ्री करेक्टर्स को रीड करे. ओके फाइन, फिर क्या करे? सिक्स पॉइंटर कितना चले? सिक्स बाइट्स चले. कौन सी? करेंट पोजीशन से, सेवेंथ पोजीशन से, क्योंकि फोर प्लस थ्री सेवन, सेवन पे चले जाएगा, फिर वहां से रीड करे. ओके, वन का क्या मीनिंग होता है? करेंट पोजीशन. फाइन, अब एक चीज और, यहाँ पे मैंने फाइल को ओपन किया है टेक्स्ट मोड में, राइट? तो टेक्स्ट मोड में जब आप फाइल को ओपन करते हो, इट ऑलवेज स्टार्ट्स, जो फाइल पॉइंटर होती की पोजीशन होती है वो हमेशा स्टार्टिंग, मतलब और उसकी स्टार्टिंग पोजीशन से वो स्टार्ट करता है, फर्स्ट पोजीशन से वो उसको लोकेट स्टार्ट करता है. तो मैं ये चाहती हूँ करेंट पोजीशन से करे या फिर एंड ऑफ द फाइल से करे, तो हम इसको बाइनरी मोड में ओपन करेंगे फाइल को. समझ आ गया? क्या होता है, जब आप टेक्स्ट मोड में फाइल को ओपन करते हो तो पॉइंटर विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फाइल, राइट? वो हमेशा फाइल की बिगनिंग से स्टार्ट करेगा. पर अगर आपको करंट पोजीशन से अपने पॉइंटर को मूव कराना है या एंड ऑफ द फाइल से मूव कराना है, तो आप किस मोड में फाइल को ओपन करोगे? आप बाइनरी फॉर्म में फाइल को ओपन करोगे. तो मैंने यहाँ पे आर के बाद बी लगा दिया है, तो अब ये क्या है? बाइनरी फॉर्म में फाइल को ओपन करेगा, राइट? अब देखो, अब यहाँ पे हम इसको समझते हैं. ओपन किया आपने फर्स्ट फाइल को, आपने प्रिंट करा दी करंट लोकेशन फाइल की. देन आपने क्या किया? सीक फोर. सीक फोर किया है मतलब आपका पॉइंटर कहाँ जाएगा? फोर बाइट्स पर, करंट मतलब बिगनिंग ऑफ द फाइल से. कितने करेक्टर्स को रीड करेगा? थ्री को. ओके, देन वो सिक्स मतलब करंट पोजीशन से आगे मूव करेगा सिक्स करेक्टर्स. ओके, एंड कितने करेक्टर्स को रीड करेगा? फाइव. देन इट विल टेल यू द पॉइंटर पोजीशन. इसको मैं करके दिखाती हूँ. रन करते हैं, रन करो. देखो यहाँ पे हमारी फाइल, सबसे पहले देखो, इधर देखो, करंट लोकेशन ऑफ द पॉइंटर इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, स्टार्टिंग से आया आपका पॉइंटर की पोजीशन, स्टार्टिंग पे है. अब आपने क्या दिया था? कितना बाइट्स मूव करे? वन टू थ्री फोर. फोर से कितने आपको लेने थे? आपको लेने थे थ्री. ओके, सी की पोजीशन क्या थी आपकी? फोर. देखो सी की पोजीशन आपकी फोर है और रीड कितना करना है आपको? थ्री करेक्टर्स, राइट? तो यहां से थ्री करेक्टर्स रीड करेगा. वन, कौन कौन से? ओ एन एन स्पेस. ये थ्री करेक्टर्स रीड कर लिए इसने, ओ एन एन स्पेस, राइट? तो यहाँ पे देखो आपका आ गया है आंसर दिस. ओके, ऑन एन स्पेस. फाइन, अब आपने क्या दिया है? अब आपने सीख दिया है कितना मूव करे? करेंट लोकेशन से, करेंट लोकेशन से मूव करे सिक्स, राइट? करंट लोकेशन से कितना मूव करे? सिक्स. तो आपकी करंट लोकेशन ये है, यहां से सिक्स मूव करेगा. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आ गया. अब यहां से इसको फाइव करेक्टर्स रीड करने. ओके, तो वन टू थ्री फोर फाइव, इतने करेक्टर्स रीड करेगा ये. देखो रिजल्ट, देखो आ गया, इतने करेक्टर्स रीड कर लिए इसने. ठीक है, सिक्स लोकेशन से पहले वो देखो. अब यहाँ पे क्या है, बिगनिंग से स्टार्ट नहीं करा, करंट लोकेशन से स्टार्ट करा. इसकी करंट लोकेशन यहाँ पे थी, यहाँ से. ठीक है, करंट लोकेशन इसकी कितनी थी? इसकी करंट लोकेशन थी सेवन बाइट्स. सेवन बाइट्स पे आपका फाइल पॉइंटर था, राइट? फिर वहां से उसने सिक्स मूव किया. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स क्योंकि हमने सीक में वैल्यू दी है सिक्स. और रीड कितना करवाया? आफ्टर मूविंग सिक्स बाइट्स आपने रीड करवाया फाइव. तो वन टू थ्री फोर फाइव. ओके, एम एम आई एन जी, एम एम आई एन जी आपका रिजल्ट आ गया. ओके, और आपकी पॉइंटर पोजीशन अब आ गई है 18. पॉइंटर पोजीशन 18 क्यों आई है? देखो यहाँ पे पहले वो 7 चला, 4 पॉइंटर कहाँ पे गया? पहले फोर्थ पोजीशन पे गया, फिर उसने 3 रीड किया. ओके, तो 7 हो गया. 7 के बाद उसने क्या किया है? 6 चला है वो आगे, राइट? ओके, आपका सिक्स आगे चला है तो 13 हो गया. ओके, देन आपका फाइव. ओके, तो क्या हो गया ये 18. फाइल पॉइंटर की पोजीशन क्या हो गई है? 18. अंडरस्टूड? ओके, अब यहां पे हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल और
देखते हैं जहां पे हम नेगेटिव ऑफसेट का यूज करके देखते हैं। ठीक है, हमने फाइल को ओपन किया डेमो 2.txt, राइट, आरबी मोड में इसको ओपन करेंगे बाइनरी फॉर्म में। ओके, अब देखो f.seek, मैंने क्या किया -6 लिया। ओके, फाइल तो ये कहां से स्टार्ट करेगा फाइल, और यहां पे लिया 2, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा कहां से, एंड ऑफ द फाइल से जाएगा। ठीक है, एंड ऑफ द फाइल, राइट। अब प्रिंट करा देते हम f.read, ओके, एंड प्रिंट करंट लोकेशन ऑफ पॉइंटर f.tell, देन आप इसको क्लोज करा दो, क्लोज, राइट, सेव करते हैं। अब रिजल्ट आपका कैसे आया मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर देखो, पहले हम यहाँ पे अपनी फाइल पे जाएंगे। आपने क्या किया है, फाइल को ओपन किया है, ओके, आरबी मोड में आपने सीक क्या किया है -6, तो -6 ये कहाँ से चलेगा, ये चलेगा एंड ऑफ द फाइल से, क्योंकि आपने ये जो रेफरेंस पॉइंट दिया है वो 2 दिया है, तो ये कहाँ चलेगा, एंड ऑफ द फाइल से चलेगा, कितना, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखो मैं आपको समझाती हूँ, ये आपका एंड ऑफ द फाइल है, यहाँ पे एंड ऑफ द फाइल है, ओके, क्योंकि आपने 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, राइट, 2 दिया हुआ है, तो ये आपका एंड ऑफ द फाइल है। अब यहाँ से कितना चलेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां तक चलेगा, ओके, राइट। देन आपने क्या दे दिया, नेक्स्ट स्टेटमेंट दे दिया f.read, ओके, अब यहां से ये रीड करेगा इसको। फिर से देखो आपने क्या दिया है, f.seek फंक्शन में क्या पास किया है, -6 किया है, ओके, तो ये कहाँ चलेगा पॉइंटर, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगा, और हमने इसका रेफरेंस पॉइंट क्या दिया है, हमने मोड क्या दिया है 2, तो 2 क्या होता है, एंड ऑफ द फाइल, एंड ऑफ द फाइल से चलेगा, तो ये कहाँ से चला, यहाँ से चला एंड ऑफ द फाइल से, ये एंड ऑफ द फाइल से चला 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां तक चला, ओके, राइट। अब आपने क्या दे दिया, f.read, अब ये रीड करेगा, तो अब ये रीड करेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब आप एंड ऑफ द फाइल तक ये रीड करेगा, ओके, तो आपका रिजल्ट देखो, आपका रिजल्ट ये क्या आ गया, आपका रिजल्ट, ओके, हिंदी आ गया, स्पेस एंड हिंदी, राइट, और करेंट लोकेशन उसने बता दिया है आपकी 36 है फाइल पॉइंटर की। अंडरस्टूड, ओके, समझ आया। देखो यहां पर अब मैं इसको एक बार चेंज करते हैं इसके पैरामीटर्स, यहाँ -6 की जगह मैं कर देती हूँ -10, ओके, और आपने मोड क्या दिया है 2, तो एंड ऑफ द फाइल से चलेगा, और कितने कैरेक्टर्स रीड कराते हैं, 5 कराते हैं, ओके, और फिर कर्सर की आपकी फाइल पॉइंटर की पोजिशन ही बताएगा। सेव कर दो, ठीक है, रन कराते हैं, रन। अब देखो, अब यहाँ पे इसने क्या रीड किया, एल फिर स्पेस और इन, ओके, तो कैसे रीड किया है, यहाँ पे देखते हैं हम, फाइल पे जाएंगे, एफ, देखो एंड दिस, इधर देखो, सबसे पहले आपने क्या किया, आपने सीक करवाया है -10, और कहाँ से आपको ये चलेगा पॉइंटर, एंड ऑफ द फाइल, तो यहाँ से 10 चलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके, पोजीशन आ गई इसकी यहाँ पर पॉइंटर की। अब यहाँ से आपने रीड करवाया 5 कैरेक्टर्स को, तो 5 कैरेक्टर्स कौन कौन से रीड करेगा, एल 1 फिर स्पेस 2 देन इन 3 देन 4 एंड देन स्पेस, तो यहां से लेकर यहां तक रीड करेगा, राइट, एल देन स्पेस, ओके, 2 कैरेक्टर्स, देन इन 4 कैरेक्टर्स एंड देन स्पेस 5 कैरेक्टर्स, राइट, 5 कैरेक्टर्स तक क्या करेगा, रीड करेगा, देन आप फाइल पॉइंटर की पोजीशन बता दोगे, ओके, तो देखो आपका रिजल्ट क्या है, एल देन स्पेस देन इन देन स्पेस,
अंडरस्टूड? ओके, समझ आया? फिर से समझा दूं एक बार, कहाँ से चला है? एंड ऑफ द फाइल से चला है, क्योंकि आपने जो रेफरेंस पॉइंट दिया है वो टू दिया है. ओके, तो एंड ऑफ द फाइल से कितना ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, देन 7, 8, 9, 10 एल तक पहुंच गया. अब ये इसकी पोजीशन यहाँ पे, अब यहाँ से ये 5 कैरेक्टर्स को रीड करेगा. तो 1, 2, 3, 4, 5 एल स्पेस इन एंड देन स्पेस, ये 5 कैरेक्टर्स रीड कर लिए. अंडरस्टूड? ओके. अब देखो, ये हमने पहले प्रोग्राम बनाया था, इसमें मैंने ये माइनस और ऐड कर दिया, राइट? अब देखो, इसको एक बार फिर से देखते हैं. आपने फाइल को ओपन किया, राइट? और आपने उसके बाद क्या दे दिया? करंट लोकेशन ऑफ द फाइल पॉइंटर F10, राइट? ओके, करंट पोजीशन आ जाएगी. फिर आपने सीक किया 4, वो कितना चलेगा आगे? 4. कितने कैरेक्टर्स रीड कराओगे? 3. ओके, पहले मैं इसको रन कराती हूँ, फिर आपको इसको समझाती हूँ. फाइन, मैं इसको रन कराती हूँ. रन मॉड्यूल, करंट लोकेशन है 0. ओके, अब हम फाइल को ऐसा करते हैं, ऐसे इसकी हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ. सबसे पहले क्या है? करंट लोकेशन ऑफ द फाइल पॉइंटर, ये 0 है, स्टार्टिंग की पोजीशन 0 होती है. फिर वो कितना चलेगा? 4. 1, 2, 3, 4, मतलब सीक में आपने 4 दिया है, फाइल पॉइंटर आपका 4 पे चला गया. अब रीड कितना करेगा? 3. तो क्या क्या रीड करेगा? 1, 2, 3, मतलब यहां से लेकर यहां तक रीड करेगा, ठीक है? जो आपका एफ रीड का फर्स्ट जो आपका स्टेटमेंट आएगा, तो आप यहाँ पे देखो, आपका इसने क्या रीड किया है? ऑन एंड देन स्पेस किया है, ऑन एंड देन स्पेस. फाइन, अब देखो नेक्स्ट, हमारे स्टेटमेंट तक हो गया है, जहां पे आपने रीड थ्री कर लिया है. ओके, अब करेंट पॉइंटर की पोजीशन क्या है? यहां पर है करेंट पॉइंटर की पोजीशन, यहां पर है. ओके, अब आपने नेक्स्ट क्या दिया? f.seek, और इसमें क्या पास किया? -6. ओके, -6 एंड 1. ओके, क्या दिया है आपने? -6 एंड 1. ओके, राइट? तो देखो, अब करंट पॉइंटर पोजीशन से कहां जाएगा? ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. आपका जो पॉइंटर है -6 है ना, तो अब क्या, किस पोजीशन? करंट पोजीशन, क्योंकि 1 दिया हुआ है, करंट पोजीशन इसकी यहां पर है, ऑन यहां पर है, ठीक है, स्पेस के बाद है. तो करंट पोजीशन से ये कहां जाएगा? -6. तो -6 जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 पे चला गया, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. फिर से देखो, करंट पोजीशन इसकी यहाँ पर है. फिर से समझो, देखो पहले फाइल सीक से ये गया, आपका पॉइंटर 4 पे, 1, 2, 3, 4, 4 पे गया. 4 से उसने रीड किए 3 करेक्टर्स, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ऑन एंड स्पेस करेक्टर. फाइल पॉइंटर की पोजीशन अभी यहाँ पर है. अब आपने दिया है सीक -6, और कहां से आपको रीड कर, कहां से आपको चलना है? करंट पोजीशन से चलना है, 1 से चलना है. 1 मींस करंट पोजीशन, 0 मींस स्टार्टिंग ऑफ द फाइल, 1 मींस करंट पोजीशन, एंड 2 मींस एंड ऑफ द फाइल. ओके, तो यहां पे करंट पोजीशन इसकी 1 है, ठीक है? 1 से इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में कितना चलना है? -6. तो आप 6 चलोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, पॉइंटर की पोजीशन यहाँ पे आ गई. अब आपने रीड कितने करवाया? 5. अब यहाँ से 5 करेक्टर्स रीड करेगा, तो आपका 1, 2, 3, 4, 5 क्या रीड होगा? YTHON. ओके, राइट? कितने करेक्टर्स आपको रीड करा दे? 5. ओके, तो अब यहाँ पे देखो आपका रिजल्ट YTHON, राइट? और अब आपके पॉइंटर की पोजीशन क्या है? 6 है. ओके, आपके पॉइंटर की पोजीशन क्या है? 6 है. यहाँ पे आप रीड करके भी देख सकते हो, यहाँ से अगर रीड करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पोजीशन पे वो आ गया है. ओके, ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.